नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब न्यूज़ नाउ में। आज मैं आपको IDBI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल जॉब न्यूज़ नाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको इस IDBI बैंक की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं इनमें अप्लाई कैसे करें इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इसीलिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। अब मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ इन वैकेंसीज के बारे में। उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर के या लैपटॉप के गूगल में जाके हमें टाइप करना है www.idbi.com/recruitment2019। ये करने के बाद हमारे पास ये साइट ओपन हो जाएगी करियर IDBI बैंक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सीधी जो बैंक की साइट है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हमारी वैकेंसीज हैं जो दिखा रहे हैं। उसमें हमें ये वाली जो वैकेंसीज है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर 2019, इस पे जाके उसकी अप्लाई करने से पहले जो उसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में जानकारी लेनी है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारी ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दिया है IDBI बैंक, लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस 15 अप्रैल 2019, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर 2019। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर रिमिटिंग द फी एंड फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले जो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनको ध्यान से पढ़ें। अब सबसे पहले दिया गया है नंबर ऑफ पोस्ट 500, क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी है वो ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60%, SC ST और PWD के लिए 55%, एज है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28। जो हमारे जो कास्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो बढ़ाई भी जा सकती है जो कास्ट वाइज। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 17 मई 2019, जो डेट है ऑनलाइन टेस्ट की वो 17 मई दी गई है। उसके हिसाब से वहाँ जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं वो दिखाई गई हैं। फिर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है? पहला है कट ऑफ डेट मार्च 1, 2019। कट ऑफ डेट जो है मार्च 1, 2019 को लगाई गई थी। फिर उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो सारा दिया गया है ये ध्यान से पढ़िएगा। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो है उसको नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट्स शुड बी ग्रेजुएट, वही 60% मार्क होने चाहिए, SC ST और PWD के लिए 55%। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कैंडिडेट के पास जो मार्कशीट है वो ग्रेजुएशन की रजिस्ट्रिंग ऑनलाइन रजिस्टर करने से पहले होनी चाहिए या फिर 15-4-2019 से पहले उसके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज जो है कैलकुलेशन होगी 2 डेसिमल तक। अगर हमारे 59.99 है तो वो 60% होंगे और 54.99 है तो वो 55% होंगे। अगर 50 से कम है डेसिमल तो वो हमारे 54% में आ जाएंगे और 59% में। एज ये वही जो हमारा रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज वो दिखाया गया है। फिर उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है?
ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो 4/4/2019 से शुरू हुई है और 15 अप्रैल 2019 को ख़त्म होगी। फिर उसके बाद स्कैन करना है फोटोग्राफ और सिग्नेचर, फिर पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर, जिससे थ्रू आईडीबीआई बैंक जो है वो आपसे कांटेक्ट में रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेस क्या हैं, SC ST और PWD के लिए 150 और फॉर ऑल अदर 700। फिर उसके बाद डिटेल में दिया गया है एप्लीकेशन प्रोसीजर और पेमेंट ऑफ फीस कैसे करें। ये आप इस पूरी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है और पेमेंट ऑफ फीस, ये जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा, पेमेंट ऑफ फीस भी और एप्लीकेशन जो है वो भी ऑनलाइन फिल होगी। उसके बाद हमारा क्या है जो टेस्ट होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर सारा हमारा दिया गया है यहाँ पे, आप इसको ध्यान से पढ़ें। फिर उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। फिर उसके बाद हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद हमारी जो स्टेट वाइज जो हमारे सेंटर हैं IDBI बैंक ने जो सेंटर लिए हुए हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान से पढ़ें। फिर उसके बाद हम आते हैं इसमें वापस। फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करना है। फिर अगर आपने पहले इसमें अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका जनरेट हो गया है तो आप यहाँ पे लॉगिन दोबारा कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जाके ये इसके बारे में सारे अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल कर सकते हैं, फ़ोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स प्रीव्यू और उसके बाद लास्ट में पेमेंट, पेमेंट करके आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।